सो हेलो एवरीवन, आज मैं खेल रहा हूँ गेटिंग ओवराइट। मैंने जहाँ तक सुना है यूट्यूब में ये बहुत ही इरिटेटिंग गेम है, तो मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, आज देख ही लेते हैं कितना इरिटेटिंग है। लगता तो है कि ये इरिटेटिंग है, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है ये तो। चलो चढ़ चुके हैं, ये देखो शायद ध्यान से चढ़ना पड़ेगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। चलो चलो, अभी तो पहला पड़ाव भी नहीं पार कर पाया, देख रहे हो ना। सही है यार, अभी मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ इस चीज को, इस पेड़ को पार करने का। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. पहला पड़ाव हो चुका है कंप्लीट, दूसरा भी जस्ट होने वाला है। अभी दूसरा पड़ाव को पार करने का पूरी कोशिश चल रही है मेरी। कैसे पार कर इसे, चलो जस्ट हो ही गया ये भी। All right. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. ये पकड़ा, ये पकड़ा। अरे ये तो बहुत ही बुरा सीन है। चलो जस्ट निकल जाएंगे इस बार भी। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, बस सब मुझे घूम के जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, दिस गेम इज अ होमेज टू अ फ्री गेम दैट केम आउट इन 2002, तीसरा जस्ट सेक्सी हाइक। The author of that game was Jazero, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. इस पड़ाव को मैं करीब 10 मिनट से कर रहा हूं, बट मैं पार नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए पार करने की, बट मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला है। कोई बात नहीं, मैं जस्ट इस बार पूरी ट्राई करूँगा इसे स्केप करने का। पार होने वाला अभी, यो तीसरा पड़ाव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जस्ट चल ही रहा है। शायद मैं यहीं अटकता रह जाऊंगा।